कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पास्कल के नियम के विषय में जानेंगे। पास्कल्स लॉ द्रव्य दाब के संचरण के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने सन 1653 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर आरोपित दाब बिना क्षय हुए द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, यानी दाब जो है सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता बिना क्षय हुए नुकसान हुए। अब इसकी देखिए प्रूफ देखें इसका। माना कोई द्रव एक बर्तन में साम्यावस्था में रखा है, इसके अंदर दो बिंदु C व D लेकर CD को अक्ष मानकर एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना कर लेते हैं जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A C व D बेलन के समतल पृष्ठों पर है, जैसा कि हमने स्क्रीन पर चित्र डाल रखा है। इस बेलन के अंदर भरा द्रव इसके बाहर द्रव द्वारा आरोपित बलों के अंतर्गत संतुलित अवस्था में है। ये कल्पना की हमने इस बेलन की। इस पर ये बल प्रत्येक स्थान पर उसके पृष्ठ के लंबवत इस प्रकार समतल पृष्ठों C व D पर लगने वाले बल बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगने वाले बलों के लंबवत होंगे। क्योंकि द्रव साम्यावस्था में आते बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य होगा, यदि C व D पर दाब क्रमशः P1 व P2 तथा इन पर द्रव द्वारा आरोपित बल F1 व F2 हो तो F1 इज इक्वल टू P1A। देखिए P बराबर F बटा A होता है, इसी से हमने सूत्र से लिया इसको। तो F1 इज इक्वल टू P1A और F2 इज इक्वल टू P2A। चूंकि द्रव साम्यावस्था में आते F1 बराबर F2 तो P1A बराबर P2A, अथवा दोनों तरफ से A काट दें समान क्षेत्रफल है तो A P1 इज इक्वल टू P2, अर्थात C व D पर दाब बराबर होंगे। यही पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन एक देखिए। यहाँ पर पास्कल के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए गोलाकार बर्तन लेते हैं जिसमें चार बेलनाकार पाइप ए बी सी डी जुड़े हैं जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रम से ए टू ए थ्री ए और ए वाई टू हैं। इन पाइपों में वायुरोधी एवं चरणशील पिस्टन लगे हुए हैं चलने वाले, लेकिन वायु इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। पिस्टन लगे हुए हैं तथा बर्तन में असंपीड्य द्रव भरा है और पाइप ए पर एफ बल लगाते हैं जिस कारण पिस्टन द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब क्या हो जाएगा, एफ बराबर पी बराबर एफ बटा ए। क्योंकि हमने पहले वाले पर लगाया इसका क्षेत्रफल ए था तो एफ बटा ए हो गया। पाइप ए पर एफ बल लगाने पर अन्य तीनों पिस्टन बाहर की ओर गति करते हैं, पाइप बी सी व डी में पिस्टन की गतियों को रोकने के लिए क्रम से 2F, 3F और F बटा 2 बल लगाने पड़ते हैं। अतः द्रव द्वारा पाइप बी सी तथा डी के पिस्टन पर लगाए गए द्रव दाब 2F बटा 2A, 3F बटा 3A, F बाय 2 बटा ए बाई टू है, प्रत्येक जिसमें प्रत्येक का मान एफ बटा ए, अर्थात ए में द्रव पर लगाए गए दाब के बराबर है। हमने वहां पे भी एफ बटा ए आया था तो इसलिए सब कुछ जब हम हल करते हैं तो यही निकल के आता है, यही पास्कल का नियम है।
एक तरफ से अगर हम दाब लगाएंगे तो उसी तरफ उतना ही दाब जो है सब पे बैलेंस होगा। अब पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, इसके कुछ प्रयोग भी हैं उनको हम, जैसे द्रव चलित लिफ्ट, जो द्रव से चलने वाली लिफ्ट होती है, तो द्रव चलित उत्थापक या हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग कम बल लगाकर अधिक भार को ऊपर उठाने में किया जाता है। रचना तथा कार्य इसका देखिए कैसा है, इसमें चित्र में बना हुआ है, स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, एक चित्र बना हुआ है इसमें। तो एक पिस्टन जो है वो F1 बल लग रहा है A1 पर, और F2 बल द्रव का जो है ऊपर को A2 पर लग रहा है। इस पर एक मोटर गाड़ी खड़ी करके दिखाई गई, तो इसमें क्या है, इसमें एक भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A1 व A2 के दो ऊर्ध्वाधर बेलनाकार नलियां होती हैं। A2 जो है वो ज्यादा बड़ा है A1 से, और जो निचले सिरे पर एक क्षैतिज नली द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है, पानी जिसमें होता है जो द्रव भरा हुआ है उनके द्वारा इनको संपर्कित कर दिया जाता है। चलनशील पिस्टन लगे होते हैं और तत नलियों में कोई असंपीड्य द्रव भर देते हैं। छोटे अनुप्रस्थ काट के पिस्टन पर नीचे की ओर दाब F1 लगाने पर पिस्टन द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब P1 इज इक्वल टू F1 बटा A1। पास्कल के नियम अनुसार ये दाब बिना अक्षय हुए दूसरी नली के पिस्टन पर कार्य करता है, और तथा दूसरे पिस्टन पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब P2 बराबर F2 बटे A2, या F1 बराबर हो जाएगा F1 बटा A1, क्योंकि P1 बराबर P2 है, तो F2 बराबर हो जाएगा F1 और A2 बटे A1। तो A2 ग्रेटर देन A1 अतः F2 ग्रेटर देन F1। इस प्रकार हाइड्रोलिक लिफ्ट में कम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाने से अधिक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल का पिस्टन अधिक बल से ऊपर की ओर प्राप्त ऊपर की ओर जाता, अतः इस पर रखी अधिक भार की वस्तु को ऊपर उठाया जा सकता। जिधर कम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है पाइप का, उधर जो पिस्टन है हम दबाएंगे तो उधर हमें कम बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जब वो उठेगी तो वो चौड़ी वाली जो पिस्टन है वो नली है वो ऊपर को, उसका पिस्टन ऊपर उठ जाएगा और अधिक भार को हम उसके द्वारा उठा सकते हैं। अब है द्रव चलित ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है तथा इसका उपयोग भारी वाहनों के पहियों की गति को कम करने में किया जाता है। रचना तथा कार्य सिद्धांत, इसमें एक सिलेंडर एम होता है जिसे मास्टर सिलेंडर कहते हैं, दिखाया गया चित्र में इसमें ऊपर की ओर है। अच्छा, मास्टर सिलेंडर में एक वायुरोधी पिस्टन पी लगा रहता जो एक लीवर निकाय एल द्वारा पैडल पी से जुड़ा रहता है। मास्टर सिलेंडर एक नली टी द्वारा पहिए के साथ लगे सिलेंडर सी से जुड़ा रहता है। इस सिलेंडर में दो वायुरोधी पिस्टन P1 व P2 लगे होते हैं जो क्रम से सूज S1 व S2 से जुड़े होते हैं। ये ब्रेक शूज परस्पर एक स्प्रिंग द्वारा भी जुड़े रहते हैं। गाड़ी के सभी पहिए इसी प्रकार नली टी से जुड़े रहते हैं। यह ब्रेक पैडल बी को पैर पर पैर द्वारा दबाया जाता है तो मास्टर सिलेंडर एम का पिस्टन पी लीवर निकाय एल के माध्यम से सिलेंडर में अंदर की ओर गति करता है, जिससे इस सिलेंडर में भरे द्रव का दाब लगता है, और पास्कल के नियम के आधार पर ये दाब पिस्टन P1 व P2 के समान रूप से संचित रहता है, जिससे कि ये पिस्टन एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं और परिणाम स्वरूप इनसे जुड़े ब्रेक शूज S1 व S2 भी परस्पर दूर हो जाते हैं तथा पहिए के अंदर की ओर दबाते हैं, और घर्षण के कारण पहिए की गति पर मंदक बल लगाते हैं
अर्थात गति मंद होने के कारण इस प्रकार ये ब्रेक निकाय कार्य करने लगता है। जो जब ब्रेक पेडल पर से पैर हटा लेते हैं तो परस्पर स्प्रिंग से जुड़े ब्रेक शूज उनके माध्यम से पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाते हैं, जिससे ब्रेक आयल वापस मास्टर सिलेंडर में पहुंच जाता है और ब्रेक जो है निकाय पर कार्य करना बंद कर देता है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।